तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। तो Redmi Note 4 को MIUI 11 की ब्रांड न्यू अपडेट कब तक देखने को मिलेगी इंडिया में, तो दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में और डार्क मोड डुअल 4G के बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे तो मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो बनाकर आपको सारी जानकारी दे दूँ। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर डुअल 4G के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें अभी भी डुअल 4G की सपोर्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों यहाँ पर जो न्यूज़ है वो यही है कि अगर Redmi Note 4 को Android 9.0 की सपोर्ट देखने को मिलती है तभी जो है वो डुअल 4G का ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों 9.0 Redmi Note 4 को मिलना काफ़ी मुश्किल है। और दोस्तों जो डार्क मोड है उसका भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सिर्फ Android 9.0 डिवाइसेस में ही डार्क मोड की ऑप्शन देखने को मिल रही है। तो अगर Redmi Note 4 को Android 9.0 की सपोर्ट मिलती है तो डार्क मोड भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अभी के लिए सिर्फ 9.0 के साथ ही डार्क मोड मिल रहा है, आगे जाकर Xiaomi अगर थोड़ी सी चेंजेस कर दे तो शायद हमें डार्क मोड Redmi Note 4 में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर फेस अनलॉक की, तो चाइना में दोस्तों फेस अनलॉक जो है वो आया हुआ है, तो हमें उम्मीद है इंडिया में भी फेस अनलॉक का फीचर हमें Redmi Note 4 में देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें क्विक रिप्लाई की, तो काफ़ी लोगों का यानी कि यूज़र का आप लोगों का क्वेश्चन आया था, तो अगर आप यहाँ पर क्विक रिप्लाई, मैं सर्च कर लेता हूँ क्विकली से, सॉरी यह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक रिप्लाइज की जो ऑप्शन है यहाँ पर आई हुई है Redmi Note 4 में। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर जो है वो फीचर्स के बारे में। तो अगर हम बात करें दोस्तों Redmi Note 4 को MIUI 11 की अपडेट कब तक देखने को मिलेगी, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो है वो थ्रेड दिखा देता हूँ जो कि एक ऑफिशियल थ्रेड है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Redmi Note 4 को जो है पहले जो है वो Redmi 66A को मिल चुकी है, अब Redmi Note 5 की बारी है, उसके बाद Redmi 5A, तो दोस्तों उसके बाद Redmi Note 4 की बारी आती है। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तक हमें Redmi Note 4 में भी अपडेट देखने को मिल जाएगी MIUI 11 की। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर MIUI 11 की अपडेट के बारे में Redmi Note 4 के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।